बारिश के बाद भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ कैंसिल। फिर दोस्तों सुपर ओवर में भारतीय टीम ने जीता पहला मुकाबला और भारत की टीम पहुंच गई सीधा सेमीफाइनल में। आप भी देखना चाहते हैं कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को कैसे हराया, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में श्रीलंका के मैदान पर मुकाबला शुरू हुआ। एशिया कप 2023 तीसरा मुकाबला खेला गया जिसमें रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम का यह फैसला दोस्तों गलत साबित हुआ। 66 रन आते आते भारतीय टीम अपने 4 विकेट गवा दिए थे 12 ओवर में। उसके बाद ईशान किशन ने दोस्तों 82 रन का विस्फोटक पारी खेली और उनके साथ देते हुए हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते 87 रन की पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम ने बना दिए 266 रन 48 ओवर में। और ईशान किशन हार्दिक पांड्या शतक से चूके, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 266 रन हुआ इन्हीं दोनों बैट्समैन के चलते। बात करें तो 266 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरने वाली थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन बारिश आ गई दोस्तों और बारिश थमी नहीं और यह मुकाबला कैंसिल हो गया। दोस्तों मैच को रद्द कर दिया गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट देकर दोस्तों मैच को पूरा खत्म कर दिया गया, क्योंकि बारिश वहां पे आपकी बंद नहीं हुई, जिससे टीम इंडिया को एक पॉइंट मिले और टीम पाकिस्तान को भी एक पॉइंट मिले।